और अपने प्यारे शेरों के क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? आजकल ये काला रंग बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। काला लिबास हो या फिर काले बाल हो, तमाम चीज़ें आजकल काले काले को लेके महाकाल मचा हुआ है। तो हम बात करते हैं अभी काले की। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो भैया हम काले रंग सुना करते थे कि फिल्म में एक हीरो, मतलब सो कॉल्ड हीरो, रील वाला हीरो, वो एक स्क्रिप्ट के सहारे जो है लड़की को प्रपोज करता है। जाने मन तुम्हारे काले हसीन बालों में खो जाने का मन करता है, जब बाल उड़ाती हो तो लगता है कि घटा छा गई है और न जाने क्या क्या। तो पहले के भी जो है अजीबोगरीब हरकतें किया करते थे बालों को लेके, लेकिन अभी ज़माना बदल चुका है। अभी वो देवानंद वाला नहीं कि मेरे, मुझे याद है एक बार मेरे थोड़े से बाल बड़े हो गए थे तो मेरे कोच साहब ने बोला था घना देवानंद पण नहीं लिखाट दूंगा तेरी सारी हेकड़ी। तो भाई मैं डर गया, मैं कभी बाल तो बड़े रखे ही नहीं, हमेशा मेरे बाल बहुत छोटे हुआ करते थे। वो गलती से पता नहीं पसीने आ रखे थे, बाल थोड़े से गिर गए, तो शायद देवानंद के बाल थोड़े से यूं रहा करते थे कई बार, पता नहीं जो भी था। राजेश खन्ना बोला है, पता नहीं देवानंद बोला ऐसे कुछ बोला था, भूल गया मैं। आजकल के लड़के मैं देखता हूँ बकरे के सींग जैसे बाल निकाल लेते हैं, वो तेरे नाम बन जाते हैं, न जाने क्या क्या बन जाते हैं। तो भाई बालों की बात चल रही है तो एक गंभीर मसला सामने आया है, वो ये है कि हमारे इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने NRC के एक एयरपोर्ट से, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ आपको, डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं। ये 19 फरवरी 2022 का मामला है दोस्तों, और ये LBSI एयरपोर्ट है NRC में, फ्लाइट नंबर 9184 जो कि शारजहाँ से आई थी, और एक माशा जब अराइवल हॉल में जाके बैठे हुए थे, कस्टम डिपार्टमेंट को उनकी संदिग्ध हरकतों पर शक हुआ, और जब जाके तलाशी ली गई तो इनके बालों में सोना पाया गया। बालों में जू तो सोनी थी भाई, पर बालों में जो है सोना भी हो सकता है, वो भी सोना कितने का पता है? 32,97,000 रुपये की कीमत निकाली गई सोने की, और इसका कुल वजन जो था 646.5 ग्राम्स इसका वजन था। तो आप सोचिए भाई लोग किस लेवल पे जो है चीज़ें कर रहे हैं। कभी बड़े बालों में चिट रखने की बातें तो सुनी थी हमने कि बालों में कनपट्टी में लोग छुपा लिया करते थे, पर बालों में ये क्या क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, तो अजब गजब ही मामला चल रहा है। आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे, कमेंट में बस ज़रूर बताना, और बड़े बाल वालों को ये वीडियो ज़रूर भेज देना, उनको समझा देना कि भैया अगली बार एयरपोर्ट पे जाए तो संभल के जाइए, बड़े बाल वालों पे बहुत कैड़ी नज़र रखने लग गई आजकल हमारी इंडियन कस्टम सर्विसेज। और जो भाई बिल्कुल सपाचट हैं उन्हें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, उनका टैलेंट तो ये है कि उनका टैलेंट बालों में नहीं होता, उनका टैलेंट कहीं और ही होता है। तो ऐसे टैलेंट दिखाते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहना, जोश ऊंचा बनाए रखना, हंसी मजाक भी जरूरी है लाइफ में, वो मोनोटोनस भरी जिंदगी से अलग हटके थोड़ी खुशियाँ और थोड़ी स्माइल भी आना जरूरी है। तो ख्याल रखिएगा अपना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।